दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं इस मॉडल की तो एक आपको हटके और बेहतरीन सा प्लान देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर इस मॉडल की बात करें तो चारों तरफ आपको यहाँ पर ग्रिल टाइप को देखने को मिलेगा, आप अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने यहाँ पर चारों चीज़ें क्रिएट कर रखी है। अगर इस मॉडल की साइज की बात करें तो वो भी मैं बताऊंगा, इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी अगर आप ऐसा ही घर बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे। सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मॉडल जो होने वाला है, हमारे पेड यूजर थे वो हमें कॉन्टेक्ट कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया है और काफी खूबसूरत मॉडल है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गाँव एरिया में रहते हैं तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मॉडल का कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे होंगे, विंडो वगैरह डोर सब कुछ मैंने दे रखा है। फ्रंट एलिवेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ओम का सिंबल भी लगा रखा है और भी कुछ डिजाइनिंग के पर्पज से चीजें मैंने क्रिएट कर रखी हैं। तो यही पूरा मॉडल जो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। अगर मॉडल की साइज की बात करें तो 27x30 मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेगा, 27x30 फीट में पूरा मॉडल बनकर आपका रेडी हो जाता है। यहाँ पर एक बारंदा देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको गेस्ट रूम मिलेगा, बेडरूम, डाइनिंग हॉल वगैरह, किचन, सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, साइड की बात करें तो मैंने क्लोज कर रखा है। हालांकि अगर आपके पास जगह है तो आप विंडो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चारों तरफ बैरिकेडिंग टाइप का लगा रखा है जो आपके घर को और खूबसूरत बना देता है। बात करते हैं इसकी ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर आने से पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आप उसका रियलिस्टिक व्यू समझ पाए कि कैसे यहाँ पर मॉडल क्रिएट किया गया। तो ये आपको एक बारंदा देखने को मिलता है, इस पर ग्रिल वगैरह मैंने लगा रखी। कॉर्नर फेस पर तीन आपको पिलर देखने को मिलते हैं, साइड में आपका एक गेस्ट रूम है जिसमें बड़ा सा बेडरूम आपका विंडो लगा है। ये मेन डोर है, जैसे आप बारंदे से ऊपर जाते हैं तो ये मेन डोर है, एंट्री करेंगे। अगर आप गेस्ट रूम में बारंदे से एंट्री करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर भी एक डोर दिया है, यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। आप जैसे अंदर जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल मिलता है जहाँ पर स्टेयर्स भी आपको देखने को मिलेगी और यही आपका डाइनिंग हॉल है। और इधर की बात करें तो आपका किचन एरिया देखने को मिलता है। सबसे पीछे की बात करें तो पीछे के कॉर्नर वाले पर एक बेडरूम मिलता है, दोनों बेडरूम के बीच में लेट एंड बाथ भी देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल पूरा मॉडल आपका दो बेडरूम, लेट बाथ, किचन, डाइनिंग हॉल और बारंदे के साथ बनकर रेडी हो जाता है। ये पूरा प्लान हमारे एक पेड यूजर थे वो हमें लगातार कमेंट कर रहे थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया, उनके अकॉर्डिंग इस प्लान को क्रिएट किया है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो वही 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ और फ्रंट में आपका डिफरेंट टाइप का डिजाइन मिलेगा। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, यहाँ पर कोई भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगाई जिसके आपका कॉस्ट बढ़े। तो मैंने इसका साइज आपको बता दिया, 27x30 अप्रॉक्स 900 square feet एरिया, 850 square feet एरिया है। तो अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें, अगर विथ फिनिशिंग की बात करें तो आपका लगभग 8 लाख रुपए में ही ये घर तैयार होगा। फिर डिपेंड करता है कॉस्ट पर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ मटेरियल कॉस्ट क्या है, आपके लेबर चार्जेस क्या हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह या हर एक शहर में अलग अलग ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेट आपको कॉस्ट बताई है, लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए में ये घर जैसा फिनिश हुआ है ऐसा तैयार हो जाएगा। मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कॉल बिल्कुल नहीं लगेगा, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिएगा। अगर आप कोई भी घर बनवाना चाहते हैं, घर का नक्शा हुआ, स्कूल का नक्शा हुआ, किसी का भी अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको 2D plan + 3D plan देता हूँ। 3D आपने देख लिया, ऐसे वीडियो मिलेगा, साथ साथ फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। इस मॉडल को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।